मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति अप्रैल 2017 से सरकार लगातार कर रही है। मच्छरों की विद्युतीकरण की कार्रवाई, 1,21,000 से अधिक मजदूरों को विद्युतीकरण से युक्त किया गया इस दौरान किया गया। प्रदेश के अंदर 35/11 केवीए के 1528 सब स्टेशन की स्थापना भी की गई। प्रदेश के अंदर 1,58,00,000 घरों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए गए और 3,99,800 से अधिक किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में भी और अन्य तमाम प्रकार के हुए थे, इसी से अनुमान लगा सकते हैं 15-16 में जो इनका पीक आवर होता था पावर का, पीक डिमांड जो होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वह 12,300 मेगावाट की होती थी और 2023 में जहां हम लोग हैं आज पीक में डिमांड है 28,284 मेगावाट। यानी ये दिखाती है कि पिछली सरकार के पास विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं था, व्यक्तिगत एजेंडा था, व्यक्तिगत एजेंडा परिवार का एजेंडा था। और आएंगे ना बहुत बहुत सारी जगह आऊंगा मैं उस पर भी, अभी उस पर भी आ रहा हूं महोदय। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जो पावर सप्लाई में जो लॉस था उस लॉस को भी काफी कम किया गया, यानी 2017 के पहले ये लगभग 22% था और 2017 के पहले आज 2023 में जो हम लोग आए हैं ये लगभग 17% के आसपास है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर कुछ रिफॉर्म भी हो रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर बिजली के मीटर की भी व्यवस्था देखेंगे तो पहले 2017 के पहले 1,08,00,000 विद्युत के मीटर थे, आज 3,27,00,000 से अधिक विद्युत के मीटर भी संयोजित किए गए हैं और इनकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय अगर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को आगे देखेंगे तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 12 से 17 के बीच में 4,839 मेगावाट के विद्युत के उत्पादन की क्षमता इन लोगों ने अर्जित की थी और इस समय हम लोगों ने अर्जित की है 5,820 मेगावाट और साथ साथ 1,600 मेगावाट के ओबरा तापीय परियोजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी एनटीपीसी के साथ प्रारंभ की है। हमारा अनुमान है कि हम लोग बहुत शीघ्र इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रदेश की आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ये चर्चा कर रहे थे, महोदय अन्नदाता किसान की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, मुझे आश्चर्य होता है एमएसपी क्या होता है नेता विरोधी दल को संभवतः मालूम नहीं होगा, मालूम होना चाहिए।
शिवपाल जी, थोड़ा आपको बढ़ाना बताना चाहिए था। महोदय देखिए, धान 2014 में जो कह रहे थे कि कितना दाम बढ़ा है, और उस समय की स्थिति क्या थी, 2014-15 में ही मैं देखता हूं धान की जो एमएसपी थी वो आती 1360 रुपये धान सामान्य में। शिवपाल जी, आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे, आप थोड़ा सुन लीजिए। आज महोदय उसी धान की एमएसपी 2324 में सरकार ने 1360 की बजाय 2183 रुपये सीधे किसानों को दिए। हाँ, मैं आऊंगा उस पर भी, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, धान ग्रेड ये 1400 एमएसपी थी और आज 2203 रुपया वर्तमान में दी जा रही है। ज्वार, हाइब्रिड 1530, वर्मा जी नोट करिए, 1530 पर नोट कर लीजिए ना, आपके लिए 3180 रुपये, 3180, 1530 का 3180 रुपया। ज्वार 1550, ये मलडंडी जो है 1550, ये 14-15 में था, आज इसका एमएसपी दिया जा रहा है 3225 रुपया। बाजरा, खाएंगे सेहत ठीक होगी, 1250 इसका एमएसपी था, आज पैसा दिया जा रहा है 2500 रुपया, क्या दुगना नहीं है क्या। मक्का, इनके समय में मक्का का दाम दिया जाता था, वह भी प्रक्यूर नहीं किया जाता था, मक्का का प्रक्यूरमेंट हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रारंभ किया था, समाजवादी पार्टी सरकार ने नहीं। अभी आता हूं उस पर भी, घबराओ मत, उस पर भी आ रहा हूं मैं। 1310 एमएसपी, 1310, और इस समय दिया जा रहा है 2090 रुपया। उड़द 4350 और आज मिल रहा है 6950। मूंग 4600 और इस समय दिया जा रहा है 4558। अरहर 4350 आपके समय में और वर्तमान में 7000 रुपया। तिल समाजवादी पार्टी सरकार में दिया जाता था 4600 रुपया और आज दिया जा रहा है 8635 रुपया। और ऐसे ही मैं रबी की फसल के बारे में भी चर्चा कर बता देना चाहता हूं, एमएसपी कितना बढ़ा है। संभवतः नेता विरोधी दल को रबी और खरीफ का अंतर महसूस नहीं होता होगा, फसल थोड़ा, मैं आ रहा हूं उस पर भी, आप चिंता मत करो। क्या प्लांट एक नहीं बनाया, मैं सुन रहा था शायद बता देंगे, एक प्लांट नहीं बनाया इन्होंने, एक नहीं बनाया इन्होंने। अबे गेहूं एक मंडी बनाई हो, अरे अध्यक्ष महोदय एक मंडी बनाई हो तो बता दें, वो भी आता हूं मैं, आपकी इन सभी शंकाओं को दूर करूंगा अभी।